हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू अन एकेडमी यूजीसी नेट। अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार जल्दी जल्दी से मेरा ईवी मुझे चेक करा दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। क्लास स्टार्ट हो गई है, देन आई थिंक वी आर लाइव नाउ। तो एक बार आप लोग अगर मुझे मेरा एवी चेक करा दोगे तो आई विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू स्टार्ट। और क्लियर है? चलिए वीडियो को जल्दी से सभी लोग शेयर करिएगा। सभी ओल्ड स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, एवरीबडी नीड्स टू ज्वाइन दिस सेशन, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए फाइनली कुछ नया और कुछ खास प्लान करके लेके आई हूँ। जैसा कि अगर आप सभी लोग पिछले दो साल से मेरी क्लासेस देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं आप सभी लोगों के लिए हर बैच में एक नया इनिशिएटिव लेके आती हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लस वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, ये मेरे यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, स्पेशल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी होता है और आप लोगों के प्लस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। तो कुछ नई प्रोग्रामिंग, कुछ नए एनालिटिक्स के साथ में आप लोगों के सामने हूँ जो मैं बिगिन करने वाली हूँ कल से। ठीक है, आई नो कि सैटरडे है बट मैं मंडे तक का वेट नहीं करना चाहती थी। सैटरडे से ही हम लोग ये सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, कुछ नए प्लान्स आप लोगों के लिए रखें। और मैं डेफिनेटली बोलती हूँ, चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट हो या फिर नए स्टूडेंट्स हो जो नए बिगिन करना चाहते हैं 2022 में, पहली बार शायद एग्जाम देंगे, उन सभी के लिए ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया है ये आप लोगों को बेनिफिट ज़रूर देगा। ओके, तो वीडियो को जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए, सभी लोग लाइव आ जाइए क्योंकि मुझे चाहिए मैं आप सब लोगों से बात करूँ। ओके, हेलो दीपांशी, सरिता, आसिमा, शंकरी, मेरा प्लस कोर्स कब से स्टार्ट होगा? बिल्कुल अभी सब बताऊंगी। आप रिसर्च की तो देवी हो। नहीं, मैं भाई कोई देवी नहीं हूँ, जो थोड़ा बहुत मुझे आता है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। बट हाँ, मिलके हम लोग बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग वीडियो को शेयर कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि आज जो है वो इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसे हम लोग अनअकैडमी के नाम से जानते हैं उसका है हैप्पी बर्थडे। और इसी दिन के लिए मैं ये वीडियो का वेट कर रही थी। अनअकैडमी को आज जो है 6 साल हो गए हैं, 6th birthday है जो अनअकैडमी अपना आज सेलिब्रेट करने वाला है ना। मेरा बर्थडे नहीं है, मेरा बर्थडे तो बहुत बाद में आएगा, अभी फिलहाल अनअकैडमी का बर्थडे। और अनअकैडमी के 6th birthday पर ये वीडियो जो है वो मैं आप सभी लोगों से डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि आज के दिन अनअकैडमी की तरफ से भी बहुत सारे ऑफर्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं। और ऑफ कोर्स मुझे आप लोगों से मिलवाने में अनअकैडमी का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा है, तो आज के दिन बनता है कि मैं आप लोगों से कुछ डिस्कशन करूं। आज के इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों से 3 चीज डिस्कस करने वाली हूं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। मैं आप लोगों को बताती हूं कि वो चीज़ें क्या होने वाली है। आप लोगों ने देखा कि 2021 के मेजरली सभी एग्जाम्स हो गए, कुछ एग्जाम्स आप लोगों के रिमेनिंग है जो 15 से 23 दिसंबर के बीच में होने वाले हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड। और ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये आप लोगों की कंक्लूजन के तौर पर निकाली गई है कि 2021 में जो अब तक आप लोगों के एग्जामिनेशन हो गए, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट्स के आप लोगों के एग्जामिनेशन हो चुके हैं, जिनके रिमेनिंग है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बट जिनके एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं अब उन्हें लग रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, या फिर जो बच्चे नया स्टार्ट करना चाहते हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, आधे एग्जाम हो गए हैं, आधे एग्जाम होने वाले हैं और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से हम स्टार्ट करें, तो इन सबको लेकर मैं आप लोगों को 3 नए प्रोग्राम्स हैं जो मेरी तरफ से या टीम की तरफ से आपको मिलने वाले हैं जो आपको बता रही हूँ। एक है इग्नाइटर बैच, एक है आप लोगों का लक्ष्य बैच और एक है आप लोगों का प्रारंभ बैच। तीनों बैचेस कहाँ कहाँ पर आने वाले हैं, कौन कौन सा फ्री है, कौन कौन सा पेड है, किस बैच में मैं क्या करने वाली हूँ, ये सारी चीज़ें जो है वो आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सभी लोग एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप लोगों को मैं कंप्लीट एनालिसिस करवाऊंगी कि इसमें होने क्या वाला है। आप लोगों के तीनों प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, चाहे वो स्पेशल क्लास हो, चाहे वो आप लोगों की प्लस क्लासेज हों और चाहे वो आप लोगों का यूट्यूब क्लासेज हो, तीनों पर कुछ ना कुछ स्पेशल है जो आने वाला है। आप सब लोग जानते हो कि ये टोटली आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है,
ये आपका पेड सेशन होता है और ये भी आप लोगों की टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है। ये दोनों क्लासेस आप लोगों की ऐप पे होती है और ऐप की सभी क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड Aditi10 यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और सभी टेलीग्राम ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, या जितने भी आपके पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो आपके दोस्त हैं जो तैयारी करना चाहते हैं 2022 एग्जामिनेशन के लिए, है ना, 2022 नेट एग्जामिनेशन के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि ये मैं मानती हूँ कि अगला एग्जाम देरी नहीं करेगा और अगला एग्जाम आपका बिल्कुल टाइम पे होने वाला है, यानी कि जून के अंदर होने वाला है। तो उन सभी बच्चों से जरूर ऐसे स्क्रीनशॉट को शेयर कर दीजिएगा, डेफिनेटली उनकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है ना। अगर आप इस चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं या मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप सभी लोग अनअकैडमी के अलावा अनअकैडमी यूजीसी नेट इस यूट्यूब चैनल पर जाकर Aditi शर्मा के नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं, मेरी बाकी सारे वीडियोस देख सकते हैं, कि मेरी आइडियोलॉजी से आप लोग पैरेलल ड्रॉ करते हो कि नहीं करते हो। अगर आप पैरेलल ड्रॉ करते हो तो यू कैन फॉलो मी ऑफ कोर्स ऑन अनअकैडमी। तो अनअकैडमी पर भी पेड क्लासेस होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती है, और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी पेड और फ्री क्लासेस होती है, जिसमें मैं आप लोगों को पेपर वन पढ़ाती हूँ एक्सेप्ट हायर एजुकेशन, और पेपर टू मेरा है कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना। तो पेपर वन की 9 यूनिट्स और पेपर टू के कंप्लीट 10 यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। मेरा जो प्रोफाइल है अनअकैडमी पर, वो भी आपको इस नाम से मिल जाएगा। रेफरल कोड है Aditi10। अगर आप लोगों को लगता है कि आप इसे यूज करना चाहते हो किसी भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास को अनलॉक करने के लिए, नॉट जस्ट ऑन यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म की अगर आप फ्री क्लास देखते हो और वो खुलती नहीं है, तो आप इसे यूज कर सकते हो एज अ रेफरल कोड, या अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उस पर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के लिए आप ये यूज कर सकते हो। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको पेपर वन और पेपर टू दोनों मिलता है अनअकैडमी पर, और किसी का भी पेपर टू और पेपर वन आप देख सकते हो यूजिंग दिस रेफरल कोड। ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी पर। यहाँ पर सी ऑल जब आप लोग करोगे तो आप लोगों को मेरी सारी क्लासेस मिल जाएंगी, पेड वाली भी और फ्री वाली भी। दोनों क्लासेस आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, लाइव भी देख सकते हो। इस तरीके से दो पेड प्रोग्राम से जो अनअकैडमी पे चलते हैं, एक जिसको हम लोग बोलते हैं प्लस और एक हम जिसको बोलते हैं आइकॉनिक। प्लस में आप लोगों को पता ही है कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे बेनिफिट्स क्या, कि आप लोगों को क्विज मिल जाएगा, लाइव क्लासेस मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाएगा। इस बार का जो पेपर रहा था, मैं ये बार बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, इस बार का पूरा पेपर प्लस स्ट्रक्चर पे ही रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एनालिटिक वाले आप लोगों के क्वेश्चन आए थे इस बार। ऐसा नहीं था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लिया और काम निकल जाएगा, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अनलिमिटेड एक्सेस है जो आप लोगों के पास में होता है, यानी अगर जितने महीने का सब्सक्रिप्शन आपने लिया है उतने महीने आप कभी भी किसी भी वक्त वो क्लास देख सकते हो, डाउट सॉल्विंग सेशंस में आ सकते हो। हाँ, अगर मान लीजिए आपने आज मैंने कोर्स स्टार्ट किया और दो महीने बाद आपने बैच ज्वाइन किया, तो दो महीने पहले वाली क्लास देख के आपको डाउट आएगा उसका क्या करें, तो उसका सॉल्यूशन है आइकॉनिक। आइकॉनिक में खास बात यह है कि आपके पास में मेरा नंबर होगा, ठीक है ना, बाकी टीचर्स का नंबर होगा, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक विंडो आपको मिलेगा जिसमें आप हमें कॉल कर सकते हो, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग सेशंस लगवा सकते हो अपने SOP तक, यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, अगर आप PhD करना चाहते हो तो वहां तक आप हमारी एडवाइस जरूर ले सकते हो। तो ये सारी चीजों के साथ में जो आज अनअकैडमी का ऑफर आप लोगों के लिए, विच इज ओनली Only valid for today. क्यों? क्योंकि आज है happy birthday, 6th birthday अनअकैडमी का, इसीलिए 6 महीने का free offer है जो आप लोगों के पास में है। अगर आप लोग 1 साल का या फिर 24 महीने का प्लान लेते हो, यानी कि अगर आप 12 महीने की फीस देते हो, तो आपको मिलेगी 18 महीने की वैलिडिटी। 18 महीने के लिए आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा 12 महीने के फीस के अंदर, और अगर आप 24 महीने का प्लान लेते हो तो 30 महीने आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो अनअकैडमी पर। तो ये वो जो आपका सब्सक्रिप्शन प्लान है, इसमें भी इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा यूजिंग दिस ऑफ कोर्स रेफरल कोड Aditi10, जिससे आप लोगों को अपने सब्सक्रिप्शन पर और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अलावा और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए हम सब लोग जानते हैं कि आप लोग स्पेशल क्लासेस, जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती है, उनके क्रेडिट को भी रिडीम कर सकते हो। तो टोटल आपका 10% प्लस 10% डिस्काउंट एंड 6 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन है, जो सिर्फ और सिर्फ आज के लिए वैलिड है। आज रात 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा। आप लोग डिसाइड कर लो आराम से कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। मैं आप लोगों को तीनों प्लेटफॉर्म पे क्या करवाने वाली हूँ मैं बताऊंगी, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कि आप लोगों को प्लस पे पढ़ना है, यूट्यूब पे पढ़ना है, स्पेशल में पढ़ना है, तीनों पे पढ़ना है, किस पे पढ़ना है, किस पे नहीं पढ़ना है, वो सब आपका अपना डिसीजन होगा, क्योंकि आप मैच्योर बच्चे हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप अच्छे से जानते हो कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। मैं आपको सिर्फ ऑफर बता रही हूँ जो मैं लेके आई हूँ या अनअकैडमी लेके आया है आप सब लोगों के लिए।
तो चलिए शुरू करते हैं कि सिस्टम में होने क्या वाला है। सबसे पहले क्योंकि मैं आप लोगों को बता रही हूं कि हम बात कर रहे हैं किसकी स्ट्रैटेजी डिस्कशन की, कि स्ट्रैटेजी में क्या क्या होने वाला है, तो सबसे पहले जल्दी से बता देती हूं जो हम लोग प्लस वाले स्टूडेंट्स के लिए स्कीम लेके आए हैं, क्योंकि इस पर मैंने पहले भी डिस्कशन किया है, तो जल्दी से आप लोगों को ये स्कीम बताती हूं। आप सब लोग जानते हो कि इस बार वाला जो आपका एग्जामिनेशन रहा था 2021 वाला, ये एग्जामिनेशन आप लोगों के 2020 और उससे पहले जो एग्जामिनेशन हुए हैं उनसे थोड़ा अलग था। थोड़ा अलग से मेरा मतलब ये है कि अगर अभी तक मैं पेपर को इजी बोलूँ, ये पेपर वन की बात हो रही है, तो अब जो है वो आप लोगों का लेवल इजी से बढ़कर मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाली लेन में आने लगा है। ऐसा क्यों आने लगा है? क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों के अब कैसे आने लगे हैं, कंसेप्चुअल आने लगे हैं। क्वेश्चंस अब आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर तो बेस्ड है, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पर बेस्ड नहीं है। बहुत सारी जगहों पर या बहुत सारे स्टूडेंट को ये मिसकंसेप्शन रहा होगा, क्योंकि हमेशा यूजीसी नेट ने आज तक 2020 तक जो पैटर्न फॉलो किया है वो क्या किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाते हैं, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं और फिर आप लोगों को ऑलमोस्ट उसी की तरह क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। बट मैं आप लोगों को एक अलार्मिंग सिचुएशन बताती हूँ, 2021 का जो एग्जाम अभी तक हुआ है ये एग्जाम कुछ हटके हुए हैं। शुरू में जब 20 नवंबर को पेपर हुआ तो बिल्कुल ऐसा लगा कि पिछले साल के जैसे ही पेपर्स आ रहे हैं, पर जैसे जैसे टाइम जाने लगा, आपने पेपर के एनालिसिस में भी अच्छे से देखी होगी ये चीजें, जैसे जैसे टाइम जाने लगा आप लोगों के पेपर का जो लेवल था वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। मैं फिर आप लोगों को बताती हूँ कि पेपर का जो कॉन्सेप्चुअल एनालिटिक पोर्शन आप लोगों को पूछा गया वो कैसा था, वो टोटली और टोटली आप लोगों के एप्लीकेशन डोमेन का था। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है और उस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करना नहीं जानते हैं तो वो क्वेश्चन निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न टोटली एंड टोटली असर्शन रीजन बेस्ड रहा, स्टेटमेंट बेस्ड रहा, स्टेटमेंट कंक्लूजन जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना। और ये सारे की सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग चॉइस एलिमिनेशन, जो हाई ऑर्डर थिंकिंग होती है आप लोगों की, HOT होती है, उसको यूज करके आप लोगों को सॉल्व करना होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर निकाल दो, ऐसा बहुत ही कम क्वेश्चन में आपके साथ होगा, पेपर वन में भी और इवन पेपर टू में भी। तो ये चीज मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जस्ट बिकॉज आप नया बिगिन कर रहे हो या फिर आप लोगों ने अगर पेपर दिया तो आप लोग ये चीज समझते हो कि ये चीज आपके आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग प्लस बैच ज्वाइन करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। आप लोग पढ़ाई कहीं से भी करो, बट एक चीज जो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को बता सकती हूँ वो ये है कि अगर आप लोगों को HOT डेवलप करना है, हायर ऑर्डर थिंकिंग आप लोगों को डेवलप करनी होगी, एबिलिटी डेवलप करनी होगी, क्यों? क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ के, चार ऑप्शंस पढ़ के आंसर निकाल लो, ऐसा पेपर अब नहीं आते हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है वैसे भी डिफिकल्ट होता है, इधर सिर्फ 6% लोग सिलेक्ट होते थे, आप और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे और पेपर के पैटर्न के साथ साथ डोमेन ऑफ क्वेश्चन जहां से पूछे जा रहे हैं वो भी डिफरेंट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते थे कि ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे और वैसा काम हो जाएगा, अब ऐसा नहीं है। NTA ने अलग अलग डोमेन से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है, कोर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जैसा आप लोगों का पेपर बनाने लग गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर मैंने नहीं देखा कि काफी क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन के आए हों, हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन आया हो, स्पीड एंड डिस्टेंस का, या टाइम एंड वर्क का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया हो, क्लॉक के इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आए हों, ऐसी चीजें मैथमेटिकल रीजनिंग वाले यूनिट में अभी तक नहीं देखी गई थी, बट अब आप लोगों को ऐसी ही क्वेश्चन देखने मिले हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत इस चीज को लेकर सेटिस्फाइड भी हूँ, क्योंकि प्लस में मैंने मैथ्स के दो बैच चलाए थे और दोनों ही बैचेस में मैंने आप लोगों को बहुत सारी मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ाई थी। बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैंने सिर्फ पढ़ाया था, बट मैं क्रेडिट उन बच्चों को दूंगी जिन्होंने उस क्लास को देखा और अच्छे से अप्लाई करा, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस का यानी स्पीड एंड डिस्टेंस वाला जो यूनिट है उसका भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था। सो इट इज नॉट मेयरली कि मैंने पढ़ा दिया और हो गया, नहीं, उन्होंने सेल्फ एनालिसिस किया, क्वेश्चन को अच्छे से अप्लाई किया, तभी उनका आंसर निकला होगा। तो यही चीज है जो आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको 2021 के बिहाफ पर बता रही हूँ कि पेपर कैसा बनने लगा है। अब आती है बात कि फिर इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है। आप चाहे पेड प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हो या फिर फ्री प्लेटफॉर्म पे या फिर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, ये तीन ही अपॉर्चुनिटीज है, तीन ही चांसेस है, तीन ही गेट है जो आप लोगों के पास में। अब आप कौन से गेट में एंटर करना चाहते हो वो आपकी मर्जी होगी, बट एक चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप इस एप्लीकेशन लेवल पर जाने के लिए या फिर इस HOT को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को रेगुलैरिटी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और रेगुलरिटी के साथ में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो किसके अराउंड रोटेट करेगा।
मैं फिर आपको एक चीज मेंशन कर देती हूँ, चाहे आप कभी भी इसके बाद 6 महीने बाद भी आके मुझसे मिल लेना, तब भी मैं ये चीज रिपीट करूंगी, कभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ऐसे करके कभी वीडियो सर्च मत किया करो या मत पढ़ा करो। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में कब पैटर्न चेंज हो जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा, और ऐसा ही 2022 वाले बच्चों के साथ हुआ है। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो थम्स अप करके जरूर बताना कि क्या ये बात मैंने पहले बोली थी और सही बोली थी या नहीं बोली थी। इस बार भी ऐसा ही ध्यान रखना, पूरे सिलेबस को कवर करना शुरू करो, थीम बनाना शुरू करो, अपने आप लोगों का कोर्स भी कंप्लीट होगा और आप लोगों का HOT लेवल पर भी आप पहुंच जाओगे। साथ ही साथ रेगुलैरिटी इसलिए बोल रही हूं, हमें क्या लगता है कि लास्ट के 2 महीने हम पेपर वन पढ़ लेंगे या लास्ट के 1 महीने हम पेपर वन पढ़ेंगे, काम चल जाएगा। देखिए, काम चलाना और सिलेक्शन लेना दोनों में डिफरेंस होता है। NTA ने अपना लेवल इंक्रीज कर दिया है नेट वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको भी ये चीज़ समझनी होगी क्योंकि कॉम्पिटिशन डे बाई डे बढ़ रहा है। जहाँ 8 लाख लोग बैठते थे वहाँ अब 13 लाख लोग बैठने लगे एग्जामिनेशन के अंदर, और सभी के सभी स्किल्ड बेस्ड स्टडीज पर आप लोगों के आ गए हैं। क्वेश्चन इस लेवल के बने हैं तो बच्चा भी इस लेवल का पढ़ेगा, हम भी उसी लेवल का पढ़ाएंगे, तो कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि लास्ट के टाइम पर छोड़ने से बेटर है शुरू से पढ़ना शुरू करो, 1 घंटा 2 घंटा अपने आदत डालो, धीरे धीरे ये आदत जो है वो आप लोगों की इंक्रीज हो जाएगी और लास्ट के 1 महीने आप आराम से 8 से 10 घंटा पढ़ सकते हो। तो ये चीज जो है ये आप लोगों की कुछ नई बातें हैं जो आपको इनकॉर्पोरेट करनी है अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर। इस स्ट्रैटेजी के साथ में जो पहला ऑप्शन मैं आपको दे रही हूं वो है प्लस। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हो तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है। चाहे मैं कितना अच्छा पढ़ाऊं या मुझसे बहुत लाख गुना अच्छे एजुकेटर्स इस दुनिया में हैं वो आप लोगों को पढ़ा दें, बट अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। मैं ये आपको पहले भी बोलती थी, 2 साल पहले भी, आज भी बोलती हूँ, शायद आप मुझसे कभी और मिलेंगे तब भी मैं आपको ये चीज़ बोलूंगी, सेल्फ स्टडी इज द ओनली की टू गेट सिलेक्शन इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। भले मैं आपको किसी भी लेवल का पढ़ा दूँ, कुछ भी कंटेंट दे दूँ, इवन मैं आपको पेपर भी बता दूँ, तो भी सेल्फ स्टडी आपने करनी है चाहे आपको कोई भी ऑफर में दूँ। बट सबसे पहला ऑफर है वो है आप लोगों का लक्ष्य बैच, ये प्लस पे आने वाला है, 13 दिसंबर से ये स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि आप लोग डेट देख ही रहे होंगे। मेरे साथ साथ और भी 4 एजुकेटर्स हैं, तो यानी कि 5 एजुकेटर्स 5 यूनिट साइमल्टेनियसली आप लोगों को पढ़ा रहे पेपर वन की। इसमें से अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मैथमेटिकल रीजनिंग आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले दिन सिलेबस डिस्कशन करती हूँ, जैसा मैं हर बैच में करती हूँ। सिलेबस डिस्कशन में मैथमेटिकल रीजनिंग को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है अप्रोच क्लियर करेंगे, और उसके बाद एक एक करके चैप्टर्स उठाना स्टार्ट करेंगे। इस बार मैं ज्योमेट्री भी इंक्लूड करूंगी क्योंकि ऑफकोर्स 2021 में आई थी। ये चीज उन बच्चों के लिए ज्यादा यूटिलिटी वाली होगी कि जिन बच्चों के साथ में क्या प्रॉब्लम होती है कि वो पढ़ तो लेते हैं, जैसे जब पढ़ने बैठते तब बढ़िया 2-3 घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं, बट ये चीज़ उनकी रेगुलरिटी में नहीं आ पाती है। 4 दिन पढ़ते हैं, 5 दिन पढ़ते हैं, 6 दिन फिर छुट्टी हो जाती है, फिर कुछ काम हो जाता है। तो अपने आप को बाउंड करने के लिए, ठीक है ना, अपने आप के पैरामीटर्स को और एनक्लोज्ड करने के लिए, सो दैट आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज हो जाए, एक बैच आप लोगों का बना दिया जाता है। तो वो बैच ये उन बच्चों के लिए है। देखो, जब आप लोग सोचते हो कि मुझे वेट लूज करना है, तो करने को तो आप घर पे भी लूज कर सकते हो, सभी लोग कर सकते हैं, बट हम जिम क्यों जाते हैं, हम गार्डन क्यों जाते हैं, हम क्यों सोचते हैं कि यार कोई फिटनेस प्रोग्राम में यूज करूंगा, वो इसलिए करते हैं क्योंकि एक माहौल बन जाता है। तो ये माहौल बनाने वाली बात है, तो अगर आप लोग ऐसा माहौल चाहते हो तो मैं जानती हूँ कि एक बहुत HOT लेवल बच्चे यहाँ पर आते हैं जो अपने साथ में पढ़ाई करते हैं, इनके साथ में आप बैच फॉर्म अगर करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। ये आप लोगों का पहला ऑफर है जो आप लोग यूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, क्या काम करना है, आप सब लोग अच्छे से समझते हो, क्या चीजें करनी है, कितनी फीस है, ये भी आप सब लोग जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रेफरल कोड अगर मन करे तो जरूर लगा लेना, प्रोसीड टू पे कर लेना। आप लोगों के पास में EMI ऑफर भी होता है, आइकॉनिक की प्राइसिंग भी आप लोगों के सामने है, रेफरल कोड भी आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। तो ये उन बच्चों के लिए जो प्लस पे ज्वाइन करना चाहते हैं, आज बहुत अच्छा ऑफर है, 10 दिसंबर है, ठीक है ना। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 6 महीना फ्री है, तो ये भी आपके पास में है। मैं 13 तारीख से 4:30 बजे शुरू हो जाऊंगी मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ाना, और जितने भी मेरे पेपर 2 वाले बच्चे हैं यानी कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। राजस्थान में बम्पर वैकेंसी निकली कंप्यूटर टीचर की, सभी लोग जानते होंगे, तो वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा, तो उसके लिए रात को 8 बजे मैंने क्लास भी लगाई है, तो वो भी आप लोगों तक मैं डिटेल में बता दूंगी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट रहेगा उस एग्जाम में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर बात आती है कि ये तो चलिए बात हो गई प्लस वाले स्टूडेंट्स के लिए। यस मैम, एक बात, जो टेक्निक आपने रीडिंग स्पीड करने का बोला था,
और बार बार रिविजन करने का फायदा हुआ है। मेरा नया बैच शो हो रहा है, बिल्कुल मेरे प्रोफाइल पे जाके देखना आप लोग, लक्ष्य बैच 2022 ये आप लोगों को शो हो जाएगा, ठीक है ना। ऑलरेडी शो हो रहा है, 2-3 दिन पहले ही मैंने बैच बना दिया है। उसके बाद में जो सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ में यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं, है ना, किसी रीजन की वजह से वो प्लस पे नहीं आ सकते, मैम हम यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पता है कि इस चैनल ने डेडिकेटेडली आपको पढ़ाया है, और जब से ये चैनल लॉन्च किया था 18 फरवरी को मुझे याद है, क्योंकि पहली क्लास मैंने ही ली थी, लॉन्च अपन ने ही किया था, तो उस दिन से आज तक इस चैनल ने आप लोगों को ईयर वाइज पढ़ाया है, एनम पर एनम वाइज हम लोगों ने क्लासेस लिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम पास आ गया तो क्लास ले रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चंस करा रहे हैं, हमने थ्योरी भी पढ़ाई है, क्वेश्चंस भी कराए हैं, बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए करी है, और वही स्कीम रहेगी इस चैनल पर, वही मेहनत, वही हम लोग रिदम के साथ में पढ़ेंगे। यूट्यूब पे प्रारंभ बैच है, 14 दिसंबर को 8 बजे इसकी लॉन्चिंग है। सारा डिटेल कब कौन सी क्लासेस होगी, क्या क्या टाइमिंग रहेगा, वो सब हम बता देंगे। ये पूरा का पूरा हमारा टीम है जो आपके साथ में इसमें पढ़ाई करने वाला है। तो प्रारंभ बैच जो है ये यूट्यूब वाले बच्चों के लिए होने वाला है जो यूट्यूब पे पढ़ेंगे। एक बार फिर बता दूं, जो प्लस वाले बच्चे होते हैं उनके पास में एक्स्ट्रा बेनिफिट है, क्योंकि वो यूट्यूब पे भी क्लासेस डेली लेते हैं, और आप लोगों को भी लेनी है, भले ही आप प्लस पे हो या ना हो, यूट्यूब की क्लासेस मिस मत किया करो, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अब बात आ जाती है स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। देखो, जो प्लस पे ज्वाइन करेगा उसको तो कहीं जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सारी स्ट्रैटेजी मैं बना के दूंगी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सब मैं ही बता के चलूंगी। जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है या जो बच्चा चाहता है कि एक सेल्फ स्टडी के तौर पर उसकी हेल्प की जाए, तो उनके लिए मैं बताती हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी मैं आज तक फॉलो करी हूँ। मैंने कभी ये स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करी है। आज भी आप लोगों को मैं ये बोलती हूँ कि 7:3 का स्कीम आप लोगों को हमेशा फॉलो करना चाहिए, राइट। शो नहीं हो रहा है, चलिए एक काम करिए, मैंने अभी एक लिंक आप लोगों से शेयर किया है, इस लिंक पर जाके देख लेना, आप लोगों को शो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे शो हो रहा है, ठीक है। 13 दिसंबर को 4:30 बजे पहली क्लासेस की, वो लिंक मैंने आपसे शेयर किया है। देखो 7:3 का मतलब क्या होता है, ये पेपर 1 की 7 यूनिट्स हैं जो आप लोगों को पक्के से करनी है, ये मैंने आप लोगों को बहुत पहले से बताया है, और ये जो है ये आप लोगों की कच्ची वाली यूनिट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे होते हैं जिनका रिटेंशन पोर्शन बहुत अच्छा होता है ना, जिनकी मेमोरी बेस्ड चीजें बहुत अच्छी होती है, तो वो जैसे कि हायर एजुकेशन हो गया, जैसे कि पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया, है ना, जैसे आप लोगों को लगता ही होगा कि करंट अफेयर वाला यूनिट हो गया, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर इंडियन लॉजिक वाला पार्ट हो गया, ये सारी चीजें जिनका रिटेंशन अच्छा है, जिनका मेमोरी लेवल अच्छा है, जो रटने में बहुत अच्छे हैं, तो उनके लिए ये सारे यूनिट्स होते हैं। जैसे आर्ट्स वाला बच्चा है, ह्यूमैनिटीज वाला, उसके कोर्स में हायर एजुकेशन आता है, पीपल डेवलपमेंट आता है ना, इंडियन लॉजिक की बहुत सारी चीजें वो पढ़ता है, तो उसके लिए ये फोर्टे होगा, तो वो क्या करेगा, वो पक्की वाली यूनिट्स में रखेगा अपनी इन 3 यूनिट्स को, 4 यूनिट्स को, है ना। और इस तरीके से कोई एनालिटिकल वाला बच्चा है, जैसे किसी बच्चे के पास में मैथमेटिकल और रीजनिंग वाला पोर्शन ज्यादा स्ट्रांग है, उसने तैयारी पहले भी करी हुई है, या उसको समझ आता है, मजा आता है मैथ्स सॉल्व करने में, तो वो मैथ्स वाली यूनिट यहाँ पर ले सकता है। कॉमर्स वाले बच्चे हो, रिसर्च जो है वो पेपर 2 में भी पढ़ते हैं, तो वो 7 वाले यूनिट के अंदर क्या लगा सकते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड लगा सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड लगा सकते हैं, आईसीटी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बिहाफ पर डिसाइड कर लो कि कौन सी ऐसी 3 यूनिट्स है जो मेरे बस की नहीं है, और कौन सी ऐसी 7 यूनिट्स है जो मेरे बस की है। एक चीज मैं आपको फिर बता दूं, ये भी अकॉर्डिंग टू 2021 का मेरा एनालिसिस आपको बताती हूं, हर यूनिट में से 5 क्वेश्चंस आएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। 18 फरवरी को या 20 फरवरी को आप देख लेना, सर्च कर लेना अदिति शर्मास फर्स्ट वीडियो, आप लोग सर्च कर लेना, इसी चैनल पे आपको मिलेगा। उस दिन भी मैंने आपको ये बताया था जब मैं रिसर्च एप्टीट्यूड का कोर्स डिस्कस कर रही थी आपसे, और मैंने सेम लाइन आप लोगों को बोली थी कि हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन आए ऐसा जरूरी नहीं है। ये कब की बता रही हूँ बात, 2020 की बात बता रही हूँ, 2021 आप लोगों का चल रहा है दिसंबर, वीडियो उठा के देख लेना, तब भी बोला था, बहुत सारे कॉमेंट भी उसके नीचे आए थे, क्योंकि मेरा पहला वीडियो था तो मैंने सभी कॉमेंट्स अच्छे से पढ़े थे। बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि ये गलत स्ट्रैटेजी है, ऐसा नहीं होता है, हर यूनिट में से 5 क्वेश्चंस आते हैं। मैं ऑब्वियसली उनको कुछ नहीं बोलती हूँ ना बोलूंगी, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा उनको ये चीज समझ में आ गई होगी, मेरा आंसर एनटीए ने दे दिया है, पिछले साल भी ऐसा नहीं हुआ था, इस साल भी ऐसा नहीं हुआ है, अगले साल भी ऐसा नहीं होगा, हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन आएगा ऐसे आप बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं है। आपके पेपर 1 के अंदर आते हैं 50 क्वेश्चन,
और ये 50 क्वेश्चन के लिए हैं 10 यूनिट्स। बट ये कोई कंपलसरी वाली बात नहीं है कि हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा सिर्फ हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ दो ही यूनिट है जो कंफर्म है, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जिनसे 5-5 क्वेश्चन आएंगे। अदरवाइज किसी भी यूनिट से कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है किसी यूनिट में से कोई भी क्वेश्चन आए। जैसे अगर पिछले शिफ्ट्स की बात करूं तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा बहुत अच्छे से देखा होगा कि आप लोगों की टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, रिसर्च के बहुत कम क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आया, आईसीटी के एक या दो क्वेश्चन आए, मैथमेटिकल रीजनिंग के 7-8 क्वेश्चन आ गए। एक कॉमर्स वाले बच्चों ने तो मुझे बताया कि 7-10 क्वेश्चन उनके सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल रीजनिंग के आ गए। तो इस तरीके से आप लोगों को भी पता है कि हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन आए ऐसा डिसाइडेड नहीं है, इसीलिए कच्चा और पक्का वाला यूनिट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ये कब तक के लिए है? ये 5-month स्ट्रैटेजी है, आराम से 5 महीने आप इसके भी आप पे चलो। जिस दिन आप 7 यूनिट पक्की कर लो ना, और आप लोगों के दिमाग में ये चीज आ जाए कि हाँ अब इस 7 यूनिट्स को मैंने अच्छे से पढ़ लिया है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लिए, अब मैं अपना काम कर सकता हूं, तब लास्ट के 1 महीने के लिए आप क्या करोगे, इस 3 वाली यूनिट्स को पक्का करने की कोशिश करोगे जितना हो सकता है उतना। हमेशा याद रखना, जब भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो मान लो आप लोगों का एग्जाम 300 नंबर का है, तो 300 में से 300 लाने का मत सोचा करो, हमेशा पहले अपना एक लिमिट बनाया करो, स्टैंडर्ड बनाया करो कि पिछले साल की कट ऑफ इतनी गई थी, तो मान लीजिए 200 गई थी, ठीक है ना, कि 300 में से 200 नंबर लाने, तो आप वो सेट करो कि यार 200 नंबर तक मुझे पहुंचना है। अब वो 200 नंबर में पेपर वन भी है और पेपर टू भी है, तो फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर वन जो है उसके 100 में से आप लोग ला सकते हो 50 नंबर, सबसे मिनिमम है भाई 50 नंबर ला सकते हो, ठीक है जी, मैं 50 नंबर ला सकता हूँ। उस 50 नंबर में कौन कौन से यूनिट्स कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ये अपनी स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट करो। ये स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ और आज भी बता रही हूँ, ठीक है ना। 13 तारीख को जो पहली क्लास होगी प्लस में, उसमें भी बताऊंगी, बट जो सेल्फ स्टडी कर रहा है बच्चा या जो यूट्यूब या स्पेशल पे आएगा मेरे पास में, उनको मैं ये बता रही हूँ कि आप खुद से भी ये चीजें कर सकते हो, तो उनकी हेल्प ऐसे ही होगी। एक पेज पर अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ कि यार अगर मुझे इसमें 50 नंबर टारगेट करने हैं तो कौन कौन सी यूनिट है जो मेरा फोर्टे है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो नया बिगिन कर रहे हैं, जो नए स्टार्ट में आप लोगों की बात कर रहे होंगे, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैम हमें कैसे पता कि मुझे रिसर्च एप्टीट्यूड आएगा कि नहीं आएगा। ये दिमाग में क्वेश्चन मेरे भी आया था जब मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी कि यार क्या पता मुझे रिसर्च समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्या मुझे मैथ समझ में आएगी कि नहीं आएगी। एक पुराना परसेप्शन होता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, समझ आएगा कि नहीं आएगा। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो हर साल एक प्रोग्राम हम चलाते हैं, वही प्रोग्राम है जो मैं दोबारा से चलाने वाली हूँ। 10-day प्लेज जो पिछली बार लिया था वो भी इस बार ले रही हूँ। इग्नाइटर बैच 2022, ये सभी के सभी किन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो स्पेशल पर हमको ज्वाइन करते हैं। स्पेशल क्लास जो है आप सब लोग जानते हो, यूनिवर्सल टाइम है मेरा, ठीक है, 11:05 पर, क्योंकि 11 बजे जब बोल देते हो ना तो बच्चे को एक वो टेंशन अलग से हो जाती है। आराम से 11 बजे तक अपना सारा काम कर लो और 11:05 पे मैं क्लास स्टार्ट कर देती हूँ सुबह के समय। डेली ये क्लास होती है, मंडे टू संडे स्पेशल क्लास है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। 10-day प्लेज जो है वो कल से स्टार्ट हो जा रहा है, यानी कि सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। तो सैटरडे हो गया, संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूजडे हो गया, वेंसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, और देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अगेन आप लोगों का मंडे हो गया, ठीक है ना। तो हर दिन हम लोग 10 यूनिट करेंगे। लास्ट के दिन आप सब लोग जानते हो डेटा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए मैं रखती हूँ। अब बात ऐसी है कि एक एक दिन एक एक यूनिट जो है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। यूनिट में मैं क्या डिस्कस करूंगी, 2021 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स रहे थे, है ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड, तो क्या ही बोलूं अब, मोस्ट एक्सपेक्टेड फॉर 2021 के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप सभी लोगों को याद हो, जैसे कि मैं आपको बोलूं आईसीटी, कल मैं क्या लूंगी, आईसीटी लूंगी। आईसीटी में से एक ऐसा टॉपिक जो मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा आपको किसी ने भी पढ़ाया था, मैं अपने हम्बल वर्ड्स में बोलना चाह रही हूँ, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, बट मुझे पता है कि मेरे अलावा ये आपको किसी ने नहीं पढ़ाया था, एंड दैट इज योर हैट्स वाला टॉपिक। क्योंकि आप सब लोग जानते हो मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, तो मैंने आप लोगों को हमेशा फोर्स किया है कि साइबर सिक्योरिटी वाले टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाया करो, क्योंकि आने वाले समय में अगर दो ऐसी यूनिट है जो आपके काम आएगी, दिस विल बी रिसर्च एंड आईसीटी। इसके अलावा कोई यूनिट है जो आपके काम नहीं आने वाली है, अगर आप आगे लाइफ देखो। आईसीटी इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हो,
आने वाला समय भी डिजिटल ही है। कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी आपके आसपास है उसकी समझ होना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि यही आपका आगे का फ्यूचर बनाने वाली है। उसी को ध्यान में रखते मैंने आपको हमेशा बोला था कि कंप्यूटर या डिजिटल वर्ल्ड के अंदर या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को जो जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, जो जो थ्रेट्स हैं, है ना, जो हमारी इंटरनेट की दुनिया से जो जो थ्रेट्स आपको आते हैं, उन सभी थ्रेट्स को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उन्हीं की वजह से साइबर लॉज बने हैं। वो नुकसान करते हैं, है ना, चोरी चकाटी, जो भी चीज़ें, जो भी एस्पिनेज, जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ में होती है ऑनलाइन, उन सबको हम इसमें पढ़ते हैं, साइबर सिक्योरिटी में पढ़ते हैं। इसमें एक टॉपिक आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि हैकर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं और इन हैकर्स को दी जाती है हैट्स, जैसे कि रेड हैट होता है, ब्लू हैट होता है, ग्रीन हैट होता है, वाइट हैट होता है, ऐसे अलग अलग तरीके की हैट्स दी जाती है। तो ये टॉपिक आप लोगों का बहुत ही लकीली, मैं बहुत विद गॉड्स ग्रेस की ये टॉपिक मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ाया था और इसी से आप लोगों का एक क्वेश्चन बना, है ना, और ये कई शिफ्ट्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो जैसे कल मैं जो है ये हैट्स वाला टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ। कॉमन चीज़ें आप लोगों को हर जगह मिल जाती है, यूनिक चीज़ पढ़ाना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ यूनिक आपको ऑफर करूँ, मेहनत करने की कोशिश करती हूँ। होगा कि नहीं होगा वो तो आप लोग देख लेंगे, आप जज करेंगे, आप लोग मेरा फीडबैक देंगे, बट हाँ मेरी कोशिश यही रहती है कि कुछ यूनिक आप तक पहुँचाऊँ। तो ICT तो मैंने आपको जम के पढ़ाई है, अगली बार भी ज़रूर पढ़ाऊंगी, प्रारंभ बैच में भी ICT ही से ही शुरू करूंगी, बट फिलहाल के लिए, कल के लिए जैसे हैट्स वाला टॉपिक हो गया, ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ। क्यों? क्योंकि 2021 में कुछ अलग था जो पूछा गया और जो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को नहीं आता था, ठीक है ना। कुछ बच्चे जिन्होंने वो वीडियो देखा उनको आता होगा। इसके बाद में जैसा आप लोग जानते हो मैथमेटिकल रीजनिंग, तो मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर आप सब लोग ने देखा होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक या मेंसुरेशन या ज्योमेट्री वाला टॉपिक तो रहा, पर स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, छोटा सा फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, पर इसके बहुत अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो बनते हैं जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे गए। तो जब आप लोग ICT पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि यार इसको पढ़ के मुझे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको मैं 7 वाले पार्ट में डालूं कि 3 वाले पार्ट में डालूं, अपने आप स्ट्रैटेजी बन जाएगी। समझ में आ रहा है क्या कि मैं क्यों बोल रही हूँ ये? समझ में आ रहा है क्या कि क्यों बोल रही हूँ या क्यों मैं ऐसी स्ट्रैटेजी बनाती हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं बिल्कुल ही कुछ नया हटके लाई हूँ, बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ कि मैंने 2020 वाले बच्चों को भी ये बताया था, 2021 वाले और 2022 वाले बच्चों को भी ये बता रही हूँ, क्योंकि यही स्ट्रैटेजी है जो मैंने फॉलो करी। मैं ऐसा नहीं है कि रोज रात को बैठ के स्ट्रैटेजी बनाती हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने खुद फॉलो करी वही आपको बताऊंगी। कुछ भी इम्प्रैक्टिकल चीज़ आप तक नहीं आएगी, प्रैक्टिकल बता रही हूँ। अगर ICT पढ़ के मजा आ रहा है, लगता है कि यार हाँ यार अगले 5-6 महीने आराम से मैं पढ़ सकता हूँ, 7-8 महीने मजे से, जितना पढ़ा हुआ ICT में कम है, मैं पढ़ सकता हूँ बहुत सारा, तो उसको 7 वाले पार्ट में डालो। याद हो रही है अगर चीज़ें, मैथमेटिक्स वाली पार्ट अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है कि हाँ मैम मेरे समझ में आ रहा है, अगर मैं थोड़ी मेहनत करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा तो मैथ्स मेरे 7 वाले यूनिट में जा सकता है। इसी तरीके से हर दिन एक एक यूनिट है जो आप तक पहुंचेगी और उस यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप तक पहुंचेंगे। कौन सा यूनिट का कौन सा टॉपिक होगा वो आप लोगों को उस दिन पता लग जाएगा, आप बस आके क्लास में बैठ जाना। इतना थोड़ा बहुत ट्रस्ट आप मुझ पे करते होंगे कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट में कभी भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। जिन बच्चों के दिमाग में अभी भी ये सवाल आ रहा है कि MCQ होगा कि थ्योरी होगा, तो मैं फिर क्लियर कर दूं, कॉन्सेप्ट विद एप्लीकेशन ही पढ़ना आप लोगों को चाहिए। चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप पुराने स्टूडेंट हो, नए स्टूडेंट हो, आप पहली बार पढ़ रहे हो, आखिरी बार पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है और उसका एप्लीकेशन आपको करना नहीं आता तो मैं मानती हूँ कि वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है। आप सब लोग जानते हैं सर आइंस्टाइन सर थे जिन्होंने ये चीज़ बोली थी कि इफ़ यू कैन नॉट टीच समथिंग प्रॉपरली दैट मीन्स दैट यू कैन नॉट लर्न दैट थिंग प्रॉपरली, इफ यू हैवंट लर्न दैट थिंग प्रॉपरली। तो यही चीज़ अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करो, किसी भी टॉपिक को ऐसे पढ़ो कि आगे आप उसे किसी को पढ़ा सको। अगर आपने ये नहीं अपने अंदर दिया है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को वो टॉपिक अच्छे से आता है। अगर आप हैट्स वाला टॉपिक पढ़ते हो तो ऐसा पढ़ो कि आप पढ़ा सको, और वो कब होगा कि मैं उससे कुछ भी पूछ लूँ वो आपको आता हो, मास्टरी आपको उसमें करनी है। विद टाइम धीरे धीरे ये चीज़ आप लोगों के अंदर भी आ जाएगी, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं, सभी लोग एक साथ सीखेंगे, तो मस्ती में पढ़ोगे तो बढ़िया आपका प्रोग्राम रहेगा, ठीक है ना। मैथमेटिकल रीजनिंग के बाद में और भी यूनिट्स है, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड में हाइपोथेसिस वाला टॉपिक, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टाइप वन एरर, टाइप टू एरर, महापाप, पाप, सारी ट्रिक्स, सारे शॉर्टकट जो मैंने आपको बताए थे सब हम लोग दोबारा से एक बार डिस्कस करेंगे। देख लेना कि ये रिसर्च मेरे बस की है कि नहीं बस की है। कुछ यूनिट्स है जिसमें मैं एक्स्ट्रा एम्फसाइज करती हूँ कि वो आपको पढ़नी चाहिए, जैसे रिसर्च, ICT, DI, RC, क्योंकि ये स्कोरिंग यूनिट्स होती है। अगर आप इनको करके जाते हो तो ये काम भी आती है नॉलेज पर्पज़ के लिए, और दूसरा ये स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है।
ठीक है। देन ऑफकोर्स आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन वाला पार्ट हो गया, लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट हो गया, हायर एजुकेशन वाला पार्ट हो गया, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट वाला पार्ट हो गया। लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक का फून वाला जो आप लोगों का चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हित अभ्यास वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर टर्म माइनर टर्म, ये यूनिट के कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे टिप्स पे पता है क्योंकि 2021 में हर बच्चे ने हर एनालिसिस में यही दिया है मुझे कि मैम इससे क्वेश्चन आया था, इससे क्वेश्चन आया था, और रैंडम चीजें बिल्कुल भी नहीं आई थी, कुछ नया कुछ अलग पूछने की जो है वो कोशिश इस बार एनटीए की रही थी। तो आपको पढ़ाई भी इसी लेवल की करनी है, ठीक है ना। बाकी आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी हमारे बैच के पुराने स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ाई करी है, आप उनसे आराम से बैठ के बात करो, उनसे कनेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। देखो कभी भी किसी भी स्टूडेंट को ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं डालना चाहिए कहीं भी, ना मुझ में या किसी भी एजुकेटर में। आराम से देखो भालो कि ये आपके पास में 10 दिन है, 10 दिन आराम से देखो, 1 घंटे की क्लास होगी। हाँ यार मुझे समझ में आ रहा है इनकी बातें, मैं शायद इनके साथ में 6 महीना 7 महीना 12 महीना पढ़ सकता हूँ। उसके बाद में आराम से डिसाइड करके अपनी क्लासेस लो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे स्पेशल हो, चाहे प्लस हो, आराम से लो, ठीक है ना। प्लस में एक्स्ट्रा बेनिफिट ये होता है कि मान लो कि आपको किसी एक एजुकेटर की भाषा समझ नहीं आ रही है, उसकी बातें समझ नहीं आ रही है, उसका कंटेंट समझ नहीं आ रहा है, तो आपके पास में उसी सब्सक्रिप्शन में बाकी टीचर्स भी होते हैं, तो आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपका डिसीजन होता है। मैं हमेशा उन बच्चों को ज्यादा सपोर्ट करती हूँ जो सेल्फ स्टडी करता है। सेल्फ स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है कि करेक्ट करिकुलम में चलो, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होगे, अलग अलग चीजें देखोगे, 10 तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन करके उनको पढ़ोगे, उससे बेटर है सभी यूनिट्स का अपर डोमेन। हमेशा मैंने एक चीज आपको सिखाने की कोशिश की है जो मैं सोचती हूँ कि मुझे भी सीखनी है, वो ये है जिस भी एग्जाम की तैयारी करो हमेशा एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सोचो कि इस यूनिट से एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और क्यों पूछ रहा है। अब जैसे साइबर वाला बात बोली मैंने, तो क्यों पूछ रहा है, वो इससे पूछ रहा है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, पेमेंट ऑनलाइन हो गया, खाना ऑनलाइन हो गया है, कपड़े ऑनलाइन हो गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन पे कर रहे हो, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो जब पूरी दुनिया ऑनलाइन सिस्टम पे आ गई है तो भाई पूरी दुनिया को थ्रेड भी तो है, जैसे ऑफलाइन सिस्टम के थ्रेड्स है वैसे ऑनलाइन सिस्टम के थ्रेड्स है, क्योंकि आने वाली जनरेशन तो ऑनलाइन ही हर चीज करती है, तो उनके क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फायदे हैं, तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी आ गया। मैथमेटिकल रीजनिंग आप लोग सोचते हो कि मैम वो क्यों पूछता है स्पीड एंड डिस्टेंस के, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन क्यों पूछता है, क्योंकि वो चाहता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर बने उसके अंदर एनालिटिकल अप्रोच हो, जरूरी नहीं कि जो उसने पढ़ा उससे वो आंसर निकाले, रिटेंशन को चेक करे या फिर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन चेक करे, वो चाहता है कि उसके अंदर ऑन द स्पॉट क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी हो, इसीलिए DI RC ये सारी चीजें आप लोगों के कोर्स में होती है। तो अगर आप इस लेवल पे सोचने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छा लेवल आप लोगों की प्रिपरेशन का रहता है। और एक और चीज मैं बताऊं कि जो आप लोगों का फर्स्ट बैच होता है ना, है ना, जैसे हमारे लिए भी जो फर्स्ट बैच होता है किसी भी ईयर का, जैसे 2022 का ये पहला बैच है, उसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड और एंटिसिपेटेड हम भी होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में भी सब कुछ फ्रेश होता है, सारे टॉपिक्स फ्रेश होते हैं, स्टूडेंट फ्रेश होता है। स्टूडेंट जब बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसका एक अलग लेवल रहता है। तो कोई भी सब्जेक्टिव ओपिनियन लेके मत आओ, आराम से क्लास में बैठो, 10 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट बैठो, भले ही पेड बैठो, यूट्यूब पे बैठो, कहीं भी बैठो, या मुझसे पढ़ो या किसी और से भी पढ़ो, हमेशा एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने कोशिश करो कि यार इस यूनिट में से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्यों पूछ रहा है, तो इस तरीके से चीजें पढ़ो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा मैं सिखाती हूँ, आगे भी सिखाऊंगी आप लोगों को, कभी भी शॉर्ट ट्रिक पे शॉर्ट ट्रिक पढ़ने की कोशिश मत किया करो। एक समय ऐसा आएगा कि वो शॉर्ट ट्रिक्स, वो सारी कहानियां आप सब भूल जाओगे, या उनका कोई भी एक छोटा सा कीवर्ड भी अगर मिस हो गया तो पूरी लाइन मिस हो जाएगी। तो कोशिश करो कि आप अपने शॉर्ट ट्रिक्स बनाओ, आप अपने कीवर्ड्स चुनो। मैं तो आपको कीवर्ड्स दे दूंगी, एजुकेटर्स तो अपना कीवर्ड दे देगा, पर कितने कीवर्ड्स आप याद कर सकते हो वो तो आप पे डिपेंड करता है। तो हमेशा अपने शॉर्ट ट्रिक्स बनाओ, अपने कीवर्ड्स बनाओ। कहाँ से आएंगी ये चीज़ें? प्रैक्टिस से आ जाएगी। तो यही चीज़ें होती है जो रेगुलरिटी होती है। मैंने कुछ भी इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन या कुछ भी इम्प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी आपको नहीं बताई है, ये सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली मैं यूज़ करती हूँ। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस कर दी होगी, ऑफकोर्स बिकॉज आई एम ऑल्सो अ लर्नर, मैं सीख रही हूँ अभी, बट स्टिल ये सारी चीज़ें मैंने आपको वो बताई हैं जो मैं यूज़ करूँगी या यूज़ करती आई हूँ अभी तक अपने एग्जामिनेशन के अंदर, तो वही चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो अगर आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो, अपनी जर्नी बिगिन कर रहे हो, और नेट के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, बहुत ज़्यादा, आज के ज़माने में अगर आप नेट क्वालिफाइड हो, JRF क्वालिफाइड हो, तो आपको बहुत जगहों पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और फिर मैं आपको बता दूँ, जो लॉकडाउन रहा 2 साल का, उसके बीच में सब इधर उधर हो गया, बट अगर एक प्रोफेशन है जो सर्टेन रहा वो था टीचिंग का प्रोफेशन। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं जिस एज ग्रुप में आप लोग हो,
बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेंट्रेट करो अपने करियर पे और ऑटोनॉमस लेवल पर सेल्फ डेवलपमेंट पे जाने की कोशिश करिए। हम सब लोग जानते हैं कि हमें ह्यूटोगॉगी लेवल पे पहुंचना है, टीचिंग एप्टीट्यूड की भाषा में जैसे हम लोग बोलते हैं ह्यूटोगॉगी, तो सेल्फ लर्निंग वाले फेज में आपने पहुंचना है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनालाइज करो कि आपके क्या प्रोज हैं, क्या कौन से, कौन सी यूनिट आपकी बस की है, कौन सी यूनिट आपकी बस की नहीं है। अगर पेपर टू की बात करूं तो पेपर टू कंप्यूटर साइंस में या पेपर टू कोई भी हो, पेपर टू में मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि 7:3 पे आप लोग जाओ। पेपर टू है, जितना पढ़ो उतना कम है, 10 यूनिट है, 30 सब्जेक्ट से ज्यादा है, सारे के सारे पढ़ने चाहिए, सारे के सारे पढ़ने चाहिए। हाँ, जो इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी या जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स रहेंगी, इंपॉर्टेंट यूनिट्स में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहेंगे, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। ऑफ कोर्स एक स्पेशल वीडियो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए भी आएगा, वो सब मैं आपको बताऊंगी। 13 तारीख वाले बैच में ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर रही हूँ तो उसका सिलेबस डिस्कस कर लूंगी, अपने हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को दे दूंगी, मेरी तरफ से जितना हो पाएगा कर दूंगी। बट फिर से बोलूंगी, सेल्फ स्टडी को कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो जितनी जल्दी आप लोगों का सेल्फ स्टडी होगा उतना ही बढ़िया आप लोगों का तैयारी रहेगी। ये सारी चीज़ें समझ के अगर आपको आ गई है, पसंद आप लोगों को आ गई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप सभी लोगों को दोबारा से रिवाइज करवा दूँ, 13 दिसंबर से प्लस बैच स्टार्ट होगा। मंडे वेंसडे फ्राइडे पेपर वन होगा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे पेपर टू होगा, संडे को ऑफ होगा। हर तीसरे दिन एक डाउट सेशन रहेगा। मैथमेटिकल रीजनिंग पेपर वन में पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पेपर टू में पढ़ेगा। ये मेरा नया स्कीम है जो यूट्यूब है। कल यानी कि आप लोगों की 11 दिसंबर सैटरडे से इग्नाइटर बैच है ना, इग्नाइटर बैच है जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर कल से मैं आप लोगों के लिए 10 यूनिट का रोज एक दिन एक रीकैप लेके आने वाली हूँ, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दोनों ही चीज़ें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होगी। 14 तारीख को प्रारंभ लॉन्च करेंगे, 15 तारीख से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तीनों प्लेटफॉर्म पे मेरा टाइम फिक्स रहेगा जो मैंने आपको बताना है, और बाकी प्लस और आइकॉनिक के बेनिफिट्स तो ऑफकोर्स आपके पास में है ही। कंटेंट में कुछ इशू लगाओ तो बग्स बाउंटी पे आप जा सकते हो, अनअकैडमी का बेस्ट फीचर है ये। स्पेशल क्लासेस जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, टाइम अपना 11 बजे है। कल की क्लास का लिंक ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर्ड है, कमेंट सेक्शन में भी पिन करवा दूंगी। रेज हैंड के साथ में आप रेज हैंड कर सकते हो, मुझसे ऑडियो चैट कर सकते हो, कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग सब देख सकते हो। स्पेशल क्लासेस जो है वो आप लोगों की इस तरीके से रहती है, अपकमिंग क्लासेस को भी आप लोग देख सकते हो, है ना, क्लिक करके। और जो आपकी लाइव क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है रिकॉर्डेड फॉर्म में, उनको भी जाके आप देख सकते हो। ऐसे सी ऑल पे क्लिक करोगे ना तो सी ऑल पे जाके आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी जो पुरानी स्पेशल क्लासेस है, ये भी फ्री है। जाके आराम से देख लो, जज कर लो कि क्या आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो, सेल्फ स्टडी कर लो, सो दैट आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो जाए। अब एट द एंड ऑफ द डे बात ऐसी है, भले ही आप लोग मेरे साथ प्लस पे आ रहे हो, आइकॉनिक पे आ रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, स्पेशल पे पढ़ रहे हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो, मुझे लगता है इट्स हाई टाइम कि आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि जितना जल्दी आप बिगिन करोगे उतना जल्दी आपका कोर्स होगा, जितना जल्दी आपका कोर्स होगा उतना अच्छा आप रिविजन करोगे और मॉडल टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट सीरीज ऑफकोर्स आपको पता है अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन में एंड के लास्ट महीने में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज चलती हैं, तो वो सब आपके पास में रहेंगी। ये सारी स्ट्रैटेजी, ये सारे प्लानिंग लेके कोशिश आप लोगों के लिए की कि एक मोटिवेशन के साथ में आप बिगिन करो। कल सुबह से 8 बजे मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी यूट्यूब पे। कोशिश ये रहेगी कि मैं कल से वो चीज़ स्टार्ट कर दूं, है ना, जैसे भी टाइम मुझे रहेगा बता दूंगी। 8 बजे से मैं करंट अफेयर के कुछ वीडियोस बनाना स्टार्ट करने की कोशिश करूंगी, सो दैट आप लोगों को करंट अफेयर का आइडिया लगे, क्योंकि इस बार करंट अफेयर से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट कर करके काफ़ी अच्छा करंट अफेयर का डोमेन आप लोगों से पूछा गया था। कोशिश रहेगी, अगर ये नहीं हो पाया तो ये भी स्पेशल पे करवा दूंगी। जो प्रॉमिस फ्री पे रहा है वो फ्री पे ही रहेगा। बाकी 11 बजे स्पेशल क्लास इग्नाइटर बैच कल से स्टार्ट हो जाएगा और 13 तारीख से प्लस वाला बैच स्टार्ट हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें थी जो मुझे अनाउंस करनी थी, और प्रारंभ को लेकर 14 तारीख पर हम आपके साथ आ जाएंगे। ये है मेरी स्ट्रैटेजी, या जो कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई करनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए मेरे ओपिनियन के अंदर। बाकी आप सब लोग समझदार बच्चे हो, स्टैंडर्ड आप लोगों के पास में हमेशा से रहा है क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आराम से डिसाइड करो, देख लो, सोच लो, समझ लो, अभी भी समय है। और 3-4 दिन आप लोग सोच लो, समझ लो, प्री क्लासेस देख लो, आइडिया लगा लो, और उसके बाद में अपना अपना बैच ज्वाइन कर लो, जिस भी बैच में आप जाना चाहते हो, जिन भी टीचर्स को आप चूज़ करते हो। कभी भी 2 से ज़्यादा टीचर्स के साथ में लग के नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। जितना ज़्यादा टीचर्स उतने ज़्यादा कन्फ्यूजन, उतनी ज़्यादा वेराइटी। टीचर हर तरीके से आप लोगों को सेम चीज़ पढ़ा रहा है, बट अलग अलग तरीके से पढ़ा रहा है, सबकी पेडागॉजी अलग अलग है। जिसका आपको समझ में आए उससे पढ़ो,
अपने नोट्स बनाओ, अपनी तैयारी को हमेशा इस लेवल की रखो कि कुछ भी पूछ ले उस टॉपिक में से आपको आना चाहिए, तभी एग्जाम में सिलेक्शन होगा। क्योंकि पेपर का पैटर्न हमेशा मान के चलना कि चेंज होगा, आगे भी बहुत सारे नए चेंजेस जो देखने मिलेंगे, तो ये सारी चीजें अपने ध्यान में जरूर रखिएगा। ओके गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ चीजें जो मैं आपको समझाना चाहती थी वो आप तक पहुंची होगी। अब मिलूंगी आप लोगों से 8 बजे, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ नया कुछ स्पेशल लेके आ रही हूँ 8 बजे यूट्यूब पे अभी आज के दिन। और कल सुबह आप सब लोग जानते हैं कि 10 बजे मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाना है यूट्यूब पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि रिसर्च पेपर को कैसे रीड करना चाहिए। और 11 बजे आपका ऑफकोर्स इग्नाइटर बैच स्टार्ट हो रहा है, तो मिलेंगे आप लोगों से उस क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, जिन्होंने भी कोर्स में एनरोल नहीं किया है वो कर लीजिए। बाकी आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी स्टार्ट करिएगा। कुछ भी कमेंट आप लोगों को लगता है कि आप लोग पहुंचाना चाहते हैं मुझ तक, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो वो ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड नाइट।